नमस्ते दोस्तों, मैं राम बाबू राठौर, जुल्मी कबड्डी संचालक, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कबड्डी जुल्मी पर। जैसा कि हमारा वादा है आपसे, हर रोज अलग अलग क्षेत्रों से मेहमान लेकर आएंगे। आज हमारे बीच मेहमान के तौर पर मौजूद हैं रामगंज मंडी से पूर्व पालिका चेयरमैन श्री हुकुम जी बाफना, जो कि पूर्व कांग्रेस MLA प्रत्याशी भी रहे हैं रामगंज मंडी से। सर, 24 दिसंबर से जुलमी में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमारे देश के कई राज्यों की बड़ी बड़ी टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। जुलमी के एक छोटे से मंच से इस आयोजन को क्या आप रामगंज मंडी के युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका समझते हैं? रावण मंडी क्षेत्र में जुलमी जो कस्बा है वो रावण मंडी तहसील का नहीं, रियासत के जमाने में सबसे प्राचीन कस्बा है। और आज भी वहां पर जो पुराने मंदिर हैं, पुराने जो शिलालेख हैं, वो इतिहास वेत्ताओं की निगाह में इस हड़ौती में सबसे प्राचीन जो कस्बे हैं उनमें दुर्मी एक है। जहां तक कबड्डी का सवाल है, कबड्डी हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ खेल है और हमारे पूर्वजों ने अनादिकाल से पीढ़ियों से हमारे यहाँ पर कबड्डी, खो खो, दड़ी मार, ये हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए खेल हैं, जिसमें हमारे पूर्वज जैसे बसे और आज भी हमारा जो खून है और हमारा जो ग्रामीण परिवेश है उनमें आम खेल जिसके प्रति आत्मिक लगाव है तो वो कबड्डी है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24 दिसंबर से आयोजन शुरू हो जाएगा और हम हमारा पूरा आयोजन इंटरनेशनल कबड्डी मैट पर करवाते हैं, और इस बार पूरे आयोजन का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। एक छोटे से मंच से इंटरनेशनल कबड्डी मैट पर आयोजन करवाना और उसका लाइव टाइम टेलीकास्ट करना, हम सभी युवा लोगों की इस पहल के बारे में आप जो विचार रखते हैं उनसे हमारे दर्शकों को अवगत करवाइए। भाई राठौड़ जी, आपको और आपकी टीम को सबसे पहले मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना। बहुत अच्छा विचार, और उस विचार की क्रियान्विति के प्रति जितने आप संकल्पशील हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रयासों की जो परिणति है वो सफल होगी, ऐसी मेरी मनोकामना है। और इससे इस क्षेत्र में ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को और हमारे जो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो हम पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से जुड़ के हमने विदेशी खेलों को जो हमारे स्वभाव में अंगीकार किया है और हमारे जो प्राचीनतम जो खेल हैं उनसे हम विलग होते जा रहे हैं, तो इन प्रयासों से वापस हम हमारी संस्कृति से, हमारी विरासत से जुड़ेंगे। ये मेरे मनोभाव है, उसमें आप सफल हो ये मनोभाव। सर, इस आयोजन के माध्यम से हम जितनी धनराशि जुटाएंगे वो सारी धनराशि जुलमी मुक्ति धाम के विकास में खर्च की जाएगी। इस पहल के बारे में आपके जो विचार हैं वो सभी विचार आप हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है, मुक्तिधाम सुंदर बने, अच्छे बने, क्योंकि एक बार तो इस दुनिया से सबको मुक्त होना है। जन्म और मृत्यु ये शाश्वत सत्य है। जैसे जन्मोत्सव होता है, कोई भी बच्चा या बिटिया परिवार में जन्म लेती है तो निश्चित रूप से उस परिवार में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में एक खुशहाली होती है। उसी प्रकार मेरा जो मानना है, मृत्यु भी एक महोत्सव है और वो महोत्सव एक अच्छे वातावरण में हो, उसका संस्कार मृत्यु के पश्चात हो, वो अच्छे उसमें हो। निश्चित रूप से गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, हमारी निरंतर प्रक्रिया है, हमारा सामाजिक ताना-बाना है कि किसी के भी अग्नि संस्कार में हम सब इकट्ठे होते हैं, जाते हैं, मृत आत्मा के प्रति वहाँ बैठ के बाबा जी भी व्यक्त करते हैं, उनके गुणों को, उनके सामाजिक जो उन्हें समाज को दिया है, शहर को, गांव को दिया है, उसके बारे में हम हमारे विचार भी प्रकट करते हैं। तो वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, अच्छा हो, इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसका नवनिर्माण हो, सुंदर बने, ये बहुत अच्छी बात है। और इस प्रयास में जो भी पैसा आपके पास आएगा वो मुक्तिधाम में आप खर्च करेंगे,
नौजवान होने हो आप, एक नौजवान आदमी के दिमाग में अगर ऐसी सकारात्मक बात आती है, निर्माणात्मक बात आती है, अच्छी सोच आती है, तो निश्चित रूप से आप सदुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जब हमने ये आयोजन प्लान किया था तो केवल लड़कों के लिए प्लान किया था, पर हमारे देश के हरियाणा राज्य से 2 लड़कियों की टीमें और कोटा से भी 2 लड़कियों की टीमें इस आयोजन में भाग लेने आ रही हैं। लड़कियों को इस मंच के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की नारी शक्ति जो है वो देश का भविष्य है। जितना महत्व आज लड़कों का है उतना ही लड़कियों का है, और इस देश को सक्षम और शक्तिशाली अगर बनाना है तो एक शरीर के 2 हाथ हैं, तो दोनों हाथ से मिलकर जो काम होगा वो एक हाथ से नहीं हो सकता है। तो ये जो बालिकाओं को जो इसमें सम्मिलित किया है ये निश्चित ही बहुत अच्छा प्रयास है, और हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ ओलंपिक में जाके गोल्ड और सिल्वर मेडल लेती है, बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय विजेता बनती है, और कई खेलों में, जबकि आज तक हमने बच्चों को इतना ध्यान नहीं दिया। भारोत्तोलन में दुनिया में हिंदुस्तान की महिलाओं ने अपना झंडा गाड़ा है, और आज अगर हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये बात निश्चित है उनके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के सहारे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन होगा। दोस्तों तो ये थे हमारे आज के मेहमान, पूर्व MLA कांग्रेस प्रत्याशी रामगज मंडी से और पूर्व पालिका चेयरमैन श्री हुकुम जी बाफना, जिनके विचार आप सभी ने देखे और जाने। दोस्तों 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आप हमारी वेबसाइट www.kbdjulmi.com से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। आप सभी दोस्तों से निवेदन है, हमारी जितने वीडियोज यहाँ से अपलोड हो रहे हैं अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को इस बारे में बताएं, जल्दी जल्दी आप आवेदन करें, आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।